भाई साहब अर्ज किया है कि शादी का सीजन है, बज रहा है हर जगह बैंड। क्या बात है बउआ भाई, शादी का सीजन है, बज रहा है हर जगह बैंड। बिना रोहित बुमराह और शमी के भी इंडिया वालों ने पेल दिया न्यूजीलैंड। नमस्ते, मैं बउआ। नमस्कार जय हिंद, मैं हूँ रौनक। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूजीलैंड स्पेशल रणतंत्र, जिसमें से न्यूजीलैंड वाले तो कुछ स्पेशल कर ही नहीं पाए। हालांकि ये बात क्लियर थी कि मुंबई टेस्ट में इंडिया वाले अपनी मोहर लगा देंगे, लेकिन कल रात को जब मैं सोने गया ना, तो मुझे याद आया कि न्यूजीलैंडियों ने पिछले कुछ सालों में हमें इतने दुख दर्द दिए हैं कि उन्हें जब तक हम हारा हुआ न देख लें तब तक यकीन नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि क्या? धड़कन पिक्चर में सुनील शेट्टी और क्रिकेट में न्यूजीलैंडी कब कमबैक कर जाएं पता नहीं चलता। ठीक है बउआ भाई, कमबैक ना भी करें तो भी ये लोग अपनी किस्मत सोनी की निब से लिखवा कर लाएं। क्या पता मुंबई में दो दिन बारिश हो जाती, क्या पता ओमिक्रॉन वेरिएंट बायो बबल में घुस जाता। अरे कुछ नहीं होता तो ये न्यूजीलैंडी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर ही वापस चले जाते और हमारे हाथ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स धुल जाते। इसीलिए जितना लंबा ये टेस्ट मैच चलता उतना ही हमें दुख दुख होता रहता है। लेकिन इंडिया वालों ने अपने फैंस के दिल की धड़कन धड़कन का पूरा ख्याल रखा और चौथे दिन मामला 50 मिनट में ही सुलटा दिया। यानी न्यूजीलैंड का हर विकेट आखिरी दिन ऑन एन एवरेज 10 मिनट ही रुक पाया। दिन की शुरुआत हुई जब रचिन रविंद्र ने जयंत यादव को कुछ बाउंड्री लगाई, लेकिन फिर जयंत यादव ने उन्हें सेकंड स्लिप पर कैच कराकर परमानेंटली बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसके बाद योया यानी योगेंद्र यादव के भतीजे जयंत यादव ने फिर से न्यूजीलैंड पर एक ही ओवर में डबल स्ट्राइक करी और जेमिसन और टीम साउदी को आउट कर दिया। न्यूजीलैंड जाने से पहले इंडिया के पोल्ट्री फार्म में 2 अंडों का वो इजाफा कर गए। जया इतने पर भी नहीं रुके। एक सेकंड, जया कौन भैया? अगर योगेंद्र यादव योया हैं तो जयंत यादव जया नहीं हुए? ठीक है, हुए। जया ने समरविल को आउट करते ही इनिंग में अपने 4 विकेट पूरे कर लिए। रविंद्र जडेजा के बाहर होने के बाद हमने जया यानी जयंत यादव को अपनी टीम में लिया था। क्या आपने भी जया भैया को अपनी टीम में लिया था? अगर लिया था तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी माई 11 सर्कल ऐप वाली टीम की तो जय हो गई होगी। अगर आपके पास अब तक ये ऐप नहीं है तो कहां कहां भैया कहां, जल्दी से अपने फोन में डाउनलोड करो। क्यों डिले कर रहे हो? हर मैच से पहले हम आपके लिए इस पर टीम बनवाते हैं, आपको खूब सारा कैश जीतने में मदद करते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। आगे बहुत सारा क्रिकेट होने वाला है। अरे ऑस्ट्रेलिया की T20 बिग बैश भी चल रही है, उसमें भी रोज अपनी टीम बनाकर खूब सारा कैश कमा सकते हो। अब पहले मैच में हमने आपको टीम बना के बताई थी बिग बैश वाली, जिसमें जॉश फिलिप को हमने उपकप्तान बनाया था, जिन्होंने 47 गेंद में 83 बनाकर मौज कर दी बेटे। आप भी अपनी मौज कराओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो और मुझे इंस्टा पे टैग करके बताओ कि मैं करके आया। बाकी याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। वापस मैच पे आते हैं। इंडिया ने फटाफट से आखिरी विकेट के तौर पर 111 गेंद खेलकर 44 बना चुके, या यूं कहें कि इंडिया को झिला चुके निकोलस को रिद्धिमान साहा के हाथों स्टंप करा के। अश्विन ने हमें वानखेड़े 2021 फक्र है कहने का मौका दे दिया। इंडिया ये मैच 372 रन से जीता और इसी के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में इंडिया के नाम 42 पॉइंट्स हो चुके हैं, लेकिन पॉइंट परसेंटेज में हम अभी भी श्रीलंका और पाकिस्तान से पीछे। कोई नहीं, साउथ अफ्रीका जाकर हम सारा हिसाब किताब बराबर कर देंगे। पूरे साउथ अफ्रीका टूर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।